नोट नोट ये खाते हैं। कल हमने क्या बताया था तुम लोगों को? हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बता चुके हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना था, अर्थ कैसे बनी थी, सारी चीजें बता चुके हैं हम लोगों को। एक बार क्लियर कर दिया हमें सबने कि ब्रह्मांड आखिर बना तो बना कैसे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? कब हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? 20 बिलियन एगो। थ्योरी का नाम क्या है? इस थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। अब ये जो ब्रह्मांड बना था तो इसमें ब्लैक होल था, उस एक टिनी पार्टिकल से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। तो हमने क्या बताया था, एक टिनी पार्टिकल था वो ब्लास्ट हुआ, तो उसने क्या बनाया, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ गए, तो क्या फॉर्म किया इनने, ग्रेविटी ही बना के स्टार। स्टार क्या है, किसे कहते हैं स्टार? हाँ तो और भी बहुत सारी गैसें हैं। हाँ क्या है, गैस का ह्यूज बबल्स है, कुछ भी नहीं है। स्टार जितने भी दुनिया में घूम रहे हैं ये सब क्या है, गैस की ह्यूज बबल्स और कुछ भी नहीं है। तुम सोचो कुछ अलग से चीजें तो कुछ नहीं, गैस के बबल्स ही हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में चार्ज होते हैं, और जब सनलाइट जाता है तो चमकते हैं, अपनी ही चार्ज हुई चीज वापस बाहर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टार फॉर्म हुए, एक बहुत बड़ा स्टार बना, जिस एक बहुत बड़ा स्टार बना और वो स्टार में एक्सप्लोजन में विस्फोट हुआ, वो स्टार फूटा, तो उसने क्या बनाया फिर, सन और अर्थ। सूर्य क्या है, एक स्टार ही तो है, सूरज कुछ भी नहीं है एक्चुअली, स्टार ही तो है, एक सूरज एक जो सन है वो एक स्टार ही है बहुत बड़ा। अब जो बड़ा स्टार एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसमें उसके डेब्रे जो कचरा निकला था उससे अपनी क्या बनी थी, अर्थ। ये हम यहां तक करवा चुके थे सारी चीज, ये बात हो गई थी पूरी। अब अर्थ बन गई, अब अर्थ पे जीवन आया तो आया कैसे, अर्थ पे जो लाइफ आई तो आई कैसे, सबसे पहले यही बात हुई थी ना, अर्थ पे जीवन आया तो। अर्थ की उत्पत्ति कब हुई, अर्थ कब बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, वो तो यूनिवर्स था ब्रह्मांड की बना रहे, अर्थ की हाँ 4 बिलियन, 4 बिलियन ईयर्स में बना क्या, ठीक है। अब अर्थ बन चुकी थी, इसके ऊपर आना है जीवन, जो भी आना है मतलब जीवन कैसे आया, ये बात होनी थी अपनी, ठीक है। हम पहले ही बता चुके लेकिन डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर ये तुम्हारा कंफर्म कंप्लीट हो गया, इसमें तुम परफेक्ट हो, तो आगे सारी चीजें इजी हो जाएंगी बिल्कुल। अर्थ आ गई है, अब अर्थ पे जीवन कैसे आया था वो चीजें बतानी है। वॉटर जो था वो तो लिक्विड फॉर्म, वो तो वेपर के फॉर्म में था, भाप के फॉर्म में ऊपर था पूरा। अब ये अर्थ पे आएगा, वाटर कैसे आएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे बताओ इसके बारे में तुम लोग बताओ, अर्थ पे जीवन आया तो आया कैसे, उत्पत्ति बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दें, ऐसा नहीं पढ़ाते हम के पास चला हम पढ़ा रहे बच्चों को आई नहीं रहा है, हम कंप्लीट करके चले जाए, बताओ जल्दी क्या क्या हुआ था। अच्छा अर्थ पे जो जीवन है उसके लिए कितनी थ्योरी दी गई थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये चीज तो बताओ। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कितनी थ्योरी दी गई है इसके लिए, 5 थ्योरी दी गई है। पहली थ्योरी का नाम क्या है, स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में क्या बताया गया है, जितने भी जीव जंतु है, जंतु है चींटी, जितने भी लोग यानी जानवर पेड़ पौधे, वो किसने बनाए हैं सारी चीजें, गॉड ने, क्रिएट बाय गॉड। दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी कौन सी है, हाँ ये बायो हमने बताया था 10 वर्ड, बायो मीन्स क्या होता है,
होता है, ए बायोमेसेंस मीन्स क्या होता है, ए मीन्स एब्सेंट, बायो मीन्स लाइफ, जैसे नहीं फॉर्मेशन, लाइफ का जो जीवन है उसका निर्माण बिना लाइफ के ही हो गया है, कुछ ऐसी चीजें जो है ही नहीं उनसे ही लाइफ आ गई है। इन्हें प्रूव करके दिखाया था, एक थे उन्होंने क्या कहा था कि वीट और माउस क्या लाइफ, इन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया था ये बाहर घूमने के लिए, क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, एक बार बता चुके हाँ, मतलब वही माउस के बच्चे आ गए थे तो स्वेट, ठीक है, पसीना। तो जब ये साइंटिस्ट घूमने के लिए गए तो इनसे पूछा, इनसे पूछा, बहुत साइंटिस्ट सबने अपनी थ्योरी दी, सबकी थ्योरी मना कर देंगी, बोले आपकी थ्योरी सही नहीं है, आपकी थ्योरी सही नहीं है, आपकी थ्योरी नहीं है, सब लोग मना कर चुके थे, बहुत सारी थ्योरी आज भी लोग थ्योरी देते हैं, लेकिन जब प्रूवल होगी तब वो बुक में राइट की जाएगी। तो इनने जब थ्योरी इनसे पूछी, एक थी ये वोजिन नाम के साइंटिस्ट थे, इनसे जब पूछा तो इनने बताया कि जो लाइफ है वो ऐसे ऐसे आई है लाइफ, कि एक दिन इनने बताया कि हम घूम, इनसे बात तुम प्रूव करके दिखाओ लाइफ कैसे आई, तो ये घूमने के लिए गए, इनकी शर्ट में पसीना आया तो शर्ट उतार के रख दी, उसमें गेहूं के दाने रख दिए, और कुछ टाइम बाद देख रहे चूहे बच्चे आ गए, तो इन्होंने बोला लाइफ ऐसे बनती है, इनने ऐसे बताया। फिर एक साइंटिस्ट और आए, उनने क्या दिया है, बायो जेनेसिस, इनने क्या बताया है, लाइफ से ही लाइफ आई है, इनने ही बताया है लाइफ से ही लाइफ। इनने फिर इनके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया था कि ऐसे लाइफ नहीं आती है, ऐसे लाइफ आती है, तो इनकी थ्योरी को रिफ्यूज कर दिया गया था, इनने हटा दिया इनकी थ्योरी को, इनकी थ्योरी थी, लेकिन बात तो ये हुई थी कि लाइफ से लाइफ तो आई है ये तो पता है सबको, क्योंकि आज भी चल रहा है, लेकिन जो सबसे पहले लाइफ आई वो कैसे आई है, हमें तो यही जानना है, सबसे पहले लाइफ आई तो आई कैसे है, सबसे पहले सेल जो बनी दुनिया में वो कैसे बनी, आखिर जब ये प्रूवल की बात हुई थी, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बात तो यही चीज की चल रही थी ना, तो बायोजेनेसिस में इन्होंने बताया इसकी थ्योरी मना कर दी। फिर कौन सी थ्योरी थी, कॉस्मोजेक, कॉस्मोजेक में क्या बताया है, लाइफ कम फ्रॉम अनदर प्लेनेट, यानी जो लाइफ आई है वो एलियंस के द्वारा आई है, इनने एलियंस के लिए। फिर लास्ट में जो साइंटिस्ट है पांचवें नंबर के, उनने प्रूव करके दिखाया, उनका नाम क्या था, कौन सी थ्योरी थी, वो कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी का नाम तक नहीं है पता, बताओ, ऑपरेन हेल्डन, इनने दी थी थ्योरी, इनकी थ्योरी क्या थी, इनने प्रूव करके क्या बताया था, इनने कैसे बताया प्रूव करके कैसे लाइफ आई है, क्या बताया था इनने, हाँ नहीं बताया था, ये अर्थ थी, अर्थ बन चुकी थी, अर्थ का फॉर्म अभी हम इसके पहले बता चुके हैं, अब वॉटर जितना था वो वेपर के फॉर्म में था, पूरा भाप के फॉर्म में, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, हॉट स्टेट में थी, रेड्यूसर एनवायरमेंट था, यानी पूरा सूखा सूखा था, बंजर था। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही अर्थ ठंडी हुई वैसे ही क्या होने लगी, बारिश होने लगी, पानी की बूंदें अर्थ पे आने लगी, जैसे ही अर्थ में पानी की बूंदें आई जैसे ही गिरना शुरू हुआ तो क्या हुआ, एनवायरमेंट ठंडा, अब जो गर्म चीज है वो गैस तो निकालेगी ना, तो आज भी तुम लोगों ने देखे होंगे ज्वालामुखी फूटते हैं, तो आज भी जो इस अर्थ के अंदर गैस दबी हुई है वो आज भी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं आज भी सब जगह, तो इनसे कुछ गैसें निकली थी गैसें, हम पुराना रिवाइज करवाएं जल्दी से, फिर उसके बाद सेल पढ़ाना है, आगे समझ में गैस निकली थी। तो अपन ने क्या क्या था बताया था इसमें, अपने पास क्या क्या था, वाटर था ना, लाइफ बना के एक बार बता रहा, वाटर था, और क्या था अपने पास, हाँ सनलाइट थी, और क्या था, हीट थी, और क्या था, और गैसेस थी, गैसेस कौन कौन सी थी, CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया, CO2 और हाइड्रोजन, ये गैसेस थी अपने पास सारी, और कुछ तो नहीं था, अभी और था कुछ, सनलाइट थी, इसमें क्या थी, यूवी रेज, ठीक है सनलाइट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सनरेज और यूवी रेज थी, और बहुत सारी रेज थी, तो सूरज तो था ना अपने पहले, इतनी सारी चीजें थी, इन्हीं सारी चीजों से अब लाइफ बनी है, इन्हीं सारी चीजों से क्या है, जब ये चीजें पूरी, ये पानी समुद्र बने, पानी गिरा था अर्थ रिड्यूस थी, जो गड्ढे थे उनमें पानी भरा था, आज वही समुद्र है, वही ओशियन से, तो ये सारी गैस मिलके इनने क्या बनाया,
बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे, ये गैसें मिलने के बाद कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स बने, कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स बने पता है किसी को, बताओ बता जल्दी बताओ, ऐसे पढ़ाई करोगे तो हो गया। क्या बना था, ये सारी गैसें हमने कहा था एक्स वो दिखाया था डायग्राम में कि ये सारी गैसें मिला के नहीं जो लाइफ फॉर्म कर सकते हैं, रोटी वगैरह सब में देखा खाना खराब हो जाता है, उनमें फंगस आ जाता, कहां से आया देखा ना, खाना डला जाता उसमें बैक्टीरिया वाल हजार चीज आती, कहां से आए कहां से फॉर्म हुए ओरिजिन क्या कैसे हुआ, ये सारी चीजें मिलकर ने कुछ बनाया था बायो मॉलिक्यूल्स, क्या बनाया था, अमोनिया नहीं होता है अमीनो एसिड, और क्या बनाया था ग्लूकोज, और क्या बनाया था, और क्या बनाया था क्या बनाया था पॉलीपेप्टाइड, और फैटी एसिड, ये चार चीज बन चुकी थी, ये अंदर ही अंदर चला था। अपन ने कहा अर्थ कब बनी थी, 5 बिलियन ईयर्स ago नहीं, 4, हाँ तो 4 बनी थी अर्थ, और अर्थ पे जीवन कब आया था, अर्थ पे जीवन कब आया, हाँ 3.5, और सेल कब बनी थी, 2, अभी सेल तैयार तो नहीं हुई है, अभी कुछ नहीं है ब्रह्मांड में, अभी कुछ भी नहीं है, केवल पानी भरा हुआ है, सूरज की रोशनी है और कुछ भी नहीं है, और ये चीजें पानी के अंदर बन चुकी हैं, ये चीजें पानी के अंदर बन चुकी थी। एक बार यहां फिर से अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, क्या क्या बन चुका था, ग्लूकोज और फैटी एसिड और क्या बना था, और फैटी एसिड हो गया और पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और क्या बना था, वो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड, वो ग्लूकोज के पार्ट है, और क्या बना था लास्ट बताओ, एक और क्या बना था, बहुत सारा ग्लूकोज मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज को मिलाया मिक्स किया आपस में क्या बनेगा, क्या बनेगा ग्लूकोज मिलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, और फैटी एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, फैट तो तुरंत तैयार होगी, फैट फैटी एसिड लिखा है ना, लिपिड बन जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो क्या बनेगा, डीएनए आरएनए, अमीनो एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन, इतनी सारी चीजें बन चुकी हैं, अभी सेल नहीं बनी, अभी सेल दुनिया में आई ही नहीं है, अब सेल को आना है, अब कैसे सेल बनी है, हमने क्या बताया था लिपिड का जो नेचर है वो कैसा है, तुम जहां भी लिपिड को डाल दोगे थोड़ा थोड़ा फॉर्म वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा, और बता चुके हैं कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी चीज बनी हुई है, लिपिड बायोलेयर की बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन, तो ये चीजें वॉटर में ही है, तो क्या हुआ बहुत टाइम बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर, ठीक है, तो जी आपस में मिक्स होने लगे, और लिपिड ने क्या किया कि लिपिड ने एक मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर दी, लिपिड आपस में जुड़ना शुरू हो गया, तो लिपिड ऐसे बन गया, ऐसे लिपिड न्यूक्लियर तैयार हुई, और लिपिड तैयार करके डीएनए के अंदर आ गया, ठीक है, अब जुड़ रहा है आपस में तो कभी तो अंदर बाहर हो ही जाएगा, तो हाइपर एक्टिव की वजह से वॉटर रिएक्शन करते करते हाइपर एक्टिव की वजह से डीएनए क्या होने लगा, रेप्लीकेट करने लगा ऑटोमेटिक, ठीक है, डीएनए
जो ग्लूकोज इसके अंदर आ गया तो ऑटोमेटिक हाई एक्टिव रिएक्शन की वजह से क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेट करने लगा, तो यही से क्या बन गई सेल। इसको भी अपन ने क्या बोला है, प्रोटोबायोंट्स। इसको भी अपन जो सेल लाइक स्ट्रक्चर बने सबसे पहले उन्हीं सेल को अपन ने बोला है प्रोटोबायोंट्स। तो सेल अपनी बन चुकी, ये सेल बनी है, लेकिन इसके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गॉल्जी एपरेटस है, ना कुछ भी नहीं है, केवल क्या बना हुआ है, एक डीएनए है और सेल की मेम्ब्रेन है, और कुछ भी नहीं बना है, यही है ना। तो दो प्रकार की सेल बताई थी हमने, दो प्रकार की सेल बनी है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक, इतना ही तो पढ़ना है। दो सेल बनी थी, कौन कौन सी, हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। कौन सी बनी थी दुनिया में, जो सबसे पहले वर्ल्ड में, सब नीट का क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहले सेल आई वो हेटेरोट्रॉफ थी। हेटेरोट्रॉफ और दूसरा ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ के सेल को कहा गया है, अब समुद्र का पानी भरा हुआ है उसके अंदर सेल आ गई है, सेल बन चुकी है, सेल आ गई थी, ये है सेल। अब इसे एनर्जी चाहिए, कैसे बनाएगी एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी कहां से आती थी इसके पास, जो बॉटल में ग्लूकोज बना था बहुत सारा उसको यूज कर ली थी, यानी जो सेल पर सेल नहीं बना पाती थी दूसरों का ग्लूकोज यूज करती, जो बनाया बनाया चीज को यूज करती थी उसको अपन कौन सी सेल बोलते थे, हेटेरोट्रॉफ। तो दुनिया में जो सबसे पहले आई वो कौन सी सेल थी, हेटेरोट्रॉफ। इसके बाद जब ग्लूकोज पूरा खत्म कर दिया इनने, अब ग्लूकोज तो बिल्कुल बचा नहीं है, अब ये सेल कहां से ग्लूकोज लेगी, कैसे अपनी एनर्जी बनाएंगी, तो हमने फिर एनर्जी किस चीज से बनाई, किस चीज से एनर्जी बनाई, फिर हमने दो प्रकार की होती ना ऑटोट्रॉफ, कौन कौन सी, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। तो कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब क्या करती थी, एनर्जी किससे बनाती थी, किससे एनर्जी बना रही थी अपनी, केमिकल से, और ये किससे बना दी थी, हाँ किससे, वॉटर को सनरेज की प्रेजेंसी में तोड़ के हाइड्रोजन सोर्स से एटीपी बना दी थी और O2 को रिलीज। अब एरोबिक को एनारोबिक सुना होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी भी इन सेल ने ऑक्सीजन लेना शुरू नहीं किया है, अब ये इससे ऑक्सीजन ये बनाने लगी है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन तो प्रोसेस में आया, जब बना, जब ऑक्सीजन आया तब उसके बाद में हेल्प से, जब बिना, आज भी अपनी बॉडी बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बनाती है, जब अपन दौड़ते हैं प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम, दौड़ रहे हैं कुछ भी करते हैं तो बोले दौड़ लगाओ, अपन दौड़े और जब जब भी दौड़ते हैं और ग्लूकोज जो होता है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब टूटता तो बनता है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड पैरों में जमा होके, जॉइंट में जमा होके क्या करता है, पेन, तो बोलते हैं गर्म कपड़े से सफाई कर लो, जिसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड पिघल जाएगा और वापस लीवर के पास जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके फिर पूरी बॉडी में जाएगा। आया समझ में, तो अभी ये ऑक्सीजन के यूज नहीं कर रही है, अभी बन चुकी है, ग्लूकोज को कैसे तोड़ा अपन ने, अभी अपन ग्लूकोज अभी हम पढ़ाएंगे तो एनर्जी 38 एटीपी बनते कैसे हैं ग्लूकोज से। आया समझ में, तो लैक्टिक एसिड जब पढ़ोगे, लैक्टिक एसिड जब बॉडी में ज्यादा बनेगा तो एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो अपनी बॉडी का एक पीएच है, पीएच पढ़ा है, अपनी बॉडी का एक पीएच है, इतनी पीएच के अंदर रहना चाहिए, तो डायबिटीज वालों का भी दिक्कत ना होती, डायबिटीज वालों को जैसे ही शुगर बढ़ेगा ज्यादा उसका पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉरी पीएच घटेगा, और जब पीएच घटेगा तो एसिडिक होगा, एक साइकिल होता है, एसिडिक बेसिक, थोड़ी इसको ऑफ करके बता दें एक बार,